आरसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सजाया रंगारंग प्रोग्राम, जहां मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की मुआशरे में अहमियत और मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली गई। बहुत मुबारक हो वारसी को भी। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बड़ी मेहनत का काम है, और जो लोग इन्होंने यहाँ बुलाए हैं वो इतने आसान नहीं हैं बुलाने। मुझे पता है कि उसके लिए उन्होंने कितनी तगोदो की होगी, तो हमें उनको भी सराहना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। स्टेज है कि जिस पे तमाम शोबाहाए ज़िंदगी की खवातीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। फूल यहाँ मुझे नजर आ रहा है, तो इस फूल को इस वक्त इस गुलदस्ते को इकट्ठा करने के लिए, सामान को एप्रिशिएट करने के लिए मेरे ख्याल में एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। For doing a wonderful job with the Women's Global Organization that he's doing, it's fantastic. I've been getting this award now for 3 years, and thank you so much for acknowledging. मैं भी बड़ा फख्र हो रहा है कि आज हमारी साथी एंकर पर्सन सुमैया रिजवान, उन्हें बेस्ट फीमेल एंकर का भी अवार्ड मिला है। तो आपको दिखाते हैं ग्लोबल वुमेन्स अवार्ड की तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की अहमियत और मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली गई। बोल न्यूज जहां भी बाजी ले गया, मुस्बत खबर बर वक्त पहुंचाने और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग पर तमाम चैनल में सरे फहरिस्त, एंकर सुमैया रिजवान और रिपोर्टर सैयदा जीनत को अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी जानिब खातून खिलाड़ी नसीम हमीद, शोबे सितारों, समाजी शख्सियत और मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक खवातीन को भी ग्लोबल वुमेन्स अवार्ड्स दिए गए। और मेरा ये शॉर्ट आउट है उसामा खान वारसी के लिए, जो कि CEO हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और इंटरनेशनल वुमेन्स ग्लोबल फाउंडेशन के। बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे औरतों को हौसला अफजाई होती है। Assalamu alaikum ji, main hu Aima Beg and I have been given this award called by Women Academy. I cannot thank enough everybody in the jury for considering me as capable of this award. I want to thank Mr. Osama from the core of my heart. Congratulations to them and thank you once again to Osama Khan Varsi.